जय श्री कृष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना बेहद ही शुभ माना गया है जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा कि शरद पूर्णमासी की रात को खीर का प्रसाद रखा जाता है जो अमृत माना जाता है उसी प्रकार से प्रत्येक पूर्णमासी को आपको चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होता है मन शीतल होता है शरीर निरोग रहता है हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है पूर्णमासी के दिन विशेष सुंदर चंद्रमा के दर्शन होते हैं इस दिन आपको कुछ चीज़ें भी खा लेनी चाहिए पूर्णमासी के दिन जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें गौ माता का पूजन करना चाहिए इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए साथ ही भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए ये पूजा करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है हमारी मनोकामना पूरी होती है तो इस दिन आपको यह पूजाएं करनी चाहिए सबसे पहले आप सुबह स्नान करें उसके बाद देव को अर्घ दें और इस दिन होल का है तो बहुत बड़ा शुभ योग बन रहा है दिन भी बहुत अच्छा है उसके बाद में माता तुलसी की पूजा करें तुलसी माता को जल दें तुलसी पत्र तोड़ लें ग्यारह तुलसी के पत्ते तोड़ लें आप विष्णु भगवान के सामने बैठ जाएं, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें जो वो व्यक्ति कथा करते हैं तो अक्सर वह शाम को जो व्रत रखते हैं वह है शाम को कथा करते हैं इस दिन घर के मैन दरवाजे पर थोड़ा सा हल्दी का पानी भी डालना चाहिए गंगाजल डालना चाहिए इससे घर के अंदर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है तो जब कथा आप सुन रहे हैं तो खीर का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए केले के फल के साथ में पूर्णमासी के दिन खीर का प्रसाद का विशेष महत्व है जिस दिन हो सके तो थोड़ा सा हवन भी करना चाहिए फिर रात को चंद्रमा के दर्शन करते हुए खीर का प्रसाद खाना चाहिए बहुत अच्छा योग बनता है आशीर्वाद प्राप्त होता है होलिका दहन के समय होलिका दहन के समय भी होली की परिक्रमा करते हुए हाथ में बता से लेकर के सूखा गोला लेकर के उस गोले को गोले के मुख को काट लिख के उसके अंदर बतास भर दें पंचमेवा भर दें सात प्रकार का अनाज भर दें उसके मुख को बंद कर दें और इसे होल का दिन में डाल देना चाहिए तो सारी परेशानियां सारे दुख भस्म हो जाते हैं हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं विशेष योग बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छे चंद्रमा के दर्शन होंगे और आप ये प्रसाद जरूर का खीर का प्रसाद केले के फल के साथ में आपकी मनोकामना पूरी होगी साथ ही भगवान शिव को आप जरूर पूजें बेलपत्र धतूरा चढ़ाएं आपकी हर मनोकामना पूरी होगी ओम नमः शिवाय